इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो मतलब मैं आज कितना देर से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी बट मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रही थी। बस सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। मैं नहाई, नहाकर पूजा की, पूजा करने के बाद मतलब नाश्ता की, नाश्ता मतलब खाने का मन नहीं हो रहा था बट फिर भी नाश्ता की। और उसके बाद खाना बनाने में मेरा हालत ख़राब हो गया, किसी तरीके से मैं खाना बनाई हूँ और उसके बाद खाना खाई नहीं, मैं पूरा रेस्ट की हूँ। मैं एक पैरासीटामोल ली क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और मेरे साथ वैसा ही होता, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा रेस्ट का मतलब रेस्ट का ज़रूरत होता है, या फिर कभी कभी बॉडी पेन होता है तो ऐसा लगता है पूरा शरीर में जकड़ा जकड़ा लग रहा था और काम करने मतलब फ्रेश फील नहीं कर रही थी। तो मैं फटाफट से दोपहर तक इस तरह खाना बनाकर बस दवाई अच्छा ठीक है तो बस अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रही हूँ। और शाम का 7 बज रहा है, जा रही हूँ चाय बनाऊँगी और पड़ी भी कुछ, उसको भी नाश्ता देना होगा, पढ़ के उठी है तो मैं उसके बाद उसको कुछ देती हूँ खाने के लिए, तो उसको कुछ खाने देती हूँ। और चलिए बनाते हैं चाय, उसके पापा उस रूम में काम कर रहे हैं और चाय बनाती हूँ। रात में क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता। दोपहर में तो मैं बनाई थी एक करी और चावल, तो सिंपल सा पतला वाला जो ग्रेवी करके पतला वाला ग्रेवी का जो एक कड़ी होता है वो बनाई थी और चावल बनाई थी। अरे पता नहीं रात में मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं रहने दीजिए, मैं बाहर से मंगा दूँगा, रेस्ट कीजिए, बट देखते हैं क्या होगा। खाने का मुझे भी नहीं पता है, जैसे जैसे जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पड़ी को होमवर्क करवाना है तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ फिर होमवर्क करवाऊँगी, ठीक है? ठीक है। तो ये देखिए, आज मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब कपड़ा भी टाइम पे नहीं उठाई हूँ, अंधेरा हो गया है और अब कपड़ा उठा रही हूँ। तो घर में अगर लेडीज़ का तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या हो सकता है, यही जो हो रहा है। तो अच्छा लग रहा था बाहर में, मतलब हवा तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हम लोग घर से बहुत कम निकलते हैं ना तो बालकनी की तरफ आने से थोड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए परी को, उसको मैं क्या कुछ खाने के लिए उसको दी थी वो खाई है, उसके बाद वो पूछ रही है। और देखिए ना, जबरदस्ती मेरे से चोटी करवा ली है, बता रही उसको मतलब मम्मा मुझे चोटी करना आपके तरह, तो मैं कर दी। और यहाँ मेरे हस्बैंड तो अपना काम करते, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए उनके साथ बैठकर चाय भी नहीं पी, मैं अपना अकेले इधर बैठ के चाय पी रही हूँ। और वो एक तरफ से गुस्सा कर रहे हैं, मुझे बोल रहे थे कि आप मतलब मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाई ना, तो मेरे को बोल रहे थे कि लंच भी नहीं किए हुए हैं, कम से कम एक है उसको खा लीजिए। तो मैं बोली ठीक है खा लूँगी। तो मैं चाय पीने के 10 मिनट बाद में ली थी एग, तो बस वही एग खा रही हूँ और बहुत अच्छा बना था। वही मैं सोच रही थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, बट अगर ठीक होता तो बहुत अच्छे से इंजॉय करके इसको चावल के साथ खाती। बट अभी मेरा तबीयत मतलब मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं सोची कि चावल वगैरह नहीं लूँगी, मैं सिर्फ अंडा लेके ऐसे ही खा ली, वो भी 2 अंडा डाली थी तो मैं नहीं खाई, एक अंडा लेके खाई। और बस यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए सैलेड मतलब फ्रूट सैलेड रेडी कर रही हूँ, तो फ्रूट सैलेड के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, गाजर और अमरूद और एप्पल था, हाँ एप्पल था, तो बस वही काट रही हूँ मैं और उनको दूंगी क्योंकि वो अपना काम पे बिजी है, वो बोलते भी नहीं है। बट मैं खुद से सोचती हूँ कि जो उनका टाइम हो रहा है तो वो चीज़ कर दूँ, तो फ्रूट खाने का टाइम उनका हो गया, वो शाम का नाश्ता में यही ले रहे हैं देती हूँ।
यहाँ मैं फटाफट से अपना चोटी बना रही हूँ, चोटी कर लूंगी। उसके बाद बहुत कुछ कर रही हूँ बीच बीच में, जैसे पड़ी को मैं खिचड़ी बना कर दी, वो आप लोग को शेयर नहीं की क्योंकि खिचड़ी तो उनका उसका सिंपल खिचड़ी होता है, दाल चावल डाल के बना देती हूँ, तो वो सब शेयर नहीं कर पा रही थी। तबीयत इतना ठीक लग नहीं रहा है, और फिर भी मुझे बहुत दिनों से ब्लॉग डाली नहीं थी, तो मुझे लगा कि नहीं जो भी थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो किचन मेरा पूरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं, किचन मेरा क्लीन है, और अभी मैं करूँगी फेस वॉश करूँगी और स्क्रब करूँगी क्योंकि रात में यही करती हूँ मैं। और बस अब खिड़की वगैरह लगा रही हूँ, रात का टाइम हो गया है। परी का ड्रेस चेंज करूँगी, मेरे हस्बैंड अब नेट लगा देंगे, उनको मैं बोली कि आप थोड़ा नेट लगा लीजिए। हम लोग नेट लगा के इसलिए सोते हैं ना कि मुझे डर लगता है कि परी के कान वगैरह में कीड़ा जाने का बहुत डर होता है। रात में हम लोग बहुत रिलैक्स होकर बॉडी फुल रिलैक्स मूड में होता है ना, तो नेट लगा लेने से क्या होता है कि आपको डर नहीं कि कोई सा कीड़ा मकोड़ा आपके मतलब नाक में कान में ये सब जाने का डर नहीं होता। अब परी बहुत छोटी है तो थोड़ा सेफ्टी लेना जरूरी है उसके लिए। और देख सकते हैं आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हैं, कौन सा क्रीम यूज़ करती हैं, तो मुझे जितना भी हो सकता है मैं कभी कभी ब्लॉग में बता देती हूँ। तो ये देखिए मैं जॉय का बार बार बोलती हूँ, जॉय का फेस वॉश और जॉय का स्क्रब, और मैं लगभग 2 सालों से जॉय का फेस वॉश यही वाला यूज़ कर रही हूँ और मेरे को बहुत सूट कर रहा है और अच्छा लगता है। लास्ट 2 ईयर्स का आप देखेंगे तो यही फेस वॉश आप लोग को दिखेगा। मैं धीरे धीरे से धीरे करके स्क्रब की बहुत जोर से या तेज हाथ से नहीं करना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन हुआ। मैं वीक में 2 बार करती हूँ स्क्रब, क्योंकि करना चाहिए, जो भी डस्ट वगैरह होते हैं आपके फेस में वो अच्छे से बाहर आ जाते हैं। और बस अब मैं जाऊँगी ड्रेस चेंज करूँगी, और फेस देखिए कितना साफ लग रहा है। तो रात में नहा लेती हूँ मैं, बहुत गर्मी, और ये मैं यहाँ बहुत कुछ बोल रही थी बट बोलते ना कभी कभी गलती हो जाता है, इंसान से ही गलती होता है। तो मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट था, मैं अपनी घर पे बात कर रही थी तो ब्लूटूथ कनेक्ट करके बात कर रही थी, और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं वो ब्लूटूथ कनेक्ट ही छोड़ दी, और बाहर था ब्लूटूथ जिस वजह से आवाज़ नहीं लिया और मेरा ये पूरा वीडियो में आवाज़ ही नहीं आया, मतलब इस वीडियो में जहाँ मैं बहुत कुछ आप लोगों से बात की, बहुत कुछ बताई कैसे क्या नहीं इधर उधर का बहुत कुछ बोली थी, बट अब नहीं है। आप लोग हाथ में देख सकते हैं मेरे हाथ में क्रीम है, जो मैं बता भी रही थी आप लोगों को कि मैं ये नाइट क्रीम में के हिसाब से अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ, बोडोलिन है ये, मुझे बहुत सूट कर रहा है और मैं बहुत अच्छे से इसको लगाती हूँ अपने हाथों में, पैरों में, फेस पे। तो क्या होता है कि आपका एकदम सॉफ्ट है, मेरा हैंड वगैरह जो देखिएगा जरा भी आपको मतलब क्या बोल सकते हैं, खड़खड़ जो लगता है खुरदुरा उस टाइप का नहीं दिखेगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड है मेरे, और फेस पे तो बहुत अच्छे से सूट किया। और परी अपना पापा के साथ रेस्ट कर रही है, रूम में है, और परी को मैंने खिचड़ी बना दिया था, यही सब बात की कि खिचड़ी कर दी, वो खा ली है, उसके पापा रोटी और मैंने उनको आलू का सन्ना कर दिया था सिंपल सा, तो वो खाए, मैं कुछ नहीं खाई, मैं वो जो आप लोग देखे कि मैं अंडा खा रही थी बस उसको खाने के बाद मेरे हस्बैंड इतना बोले कि एक रोटी ले लीजिए, बट मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं खाई। बट ये ब्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे चैनल पे 4-5 दिनों से कोई वीडियो नहीं गया है, तो मुझे लगा नहीं मैं आज नाइट रूटीन अपना शेयर कर दूँ, तो बस वही शेयर कर रही थी। और ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।